अभी बजाएगा ना भिड़ो। गाइस यार हमारे फ्री फायर के अंदर न्यू OB45 का अपडेट आ चुका है, बट गाइस यार अपडेट के बाद क्या हो रहा है कि हमारा फ्री फायर के अंदर हेडशॉट लग ही नहीं रहा है। जो हमारा एम है वे एनिमी के बॉडी पे ही स्टक हो जा रहा है। हम लोग कितना भी ट्रैक कर रहे हैं हमारा हेडशॉट नहीं लग रहा, क्योंकि जो हमारी पुरानी सेंसिविटी सेटिंग थी एंड जो हमारा फायर बटन का साइज था वे एकदम ही वर्क नहीं कर रहा है। बट गाइस आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे गाइस अपडेट आया मैं तुरंत गेम में गया एंड मैंने बहुत सारी सेंसिविटी सेटिंग ट्राई करी। फाइनली गाइस मुझे एक ऐसी सेंसिविटी सेटिंग मिल चुकी है जिसकी वजह से गाइस हम सभी गन से मतलब ऑल गन हेडशॉट सेंसिविटी सेटिंग मुझे मिल चुकी, जो गाइस मैं आप लोग को प्रोवाइड कराने वाला हूं। एंड गाइस उसके बाद आप लोग का फ्री फायर के अंदर लिटरली हर एक बुलेट एनिमी को वन टैप हेडशॉट लगेगा, वे फर्क नहीं पड़ता सामने कितना बड़ा प्रो प्लेयर क्यों ना हो। एंड गाइस मैं आप लोग को आपके फोन के हिसाब से एक बेस्ट फायर आइटम का साइज भी बताऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो पहली बार तो प्लीज आज सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस करके अपना फ्री फायर का लेवल एंड रैंक जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको फटाफट जाके इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टा करने में गाइस यार यूनिक एफएफटिप्स। फाइनली आज की धमाकेदार वीडियो को तुरंत ही स्टार्ट करते हैं। सही पकड़े हैं। यहाँ पर जो हमारी सेंसिविटी सेटिंग है वे गाइस मैंने यहाँ पर इसको रीसेट कर दिया है। ये हम लोग को फ्री फायर की तरफ से डिफॉल्ट देखने को मिलती है। एक बार मैं फिर से आप लोग के सामने इसको रीसेट कर देता हूँ। इसमें नीचे से पहला ऑप्शन आता है गाइस फ्री लुका, बट फ्री लुका कोई भी हेडशॉट से कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये जो आप लोग का फ्री लुका बटन वो अच्छे तरीके से रोटेट हो, अच्छे तरीके से आप लोग लेफ्ट राइट एंड आगे पीछे वाले एनिमी को देख पाओ, तो सिंपली आप लोग क्या करना कि अपने फ्री लुक की सेंसिविटी को इंक्रीज करके आप लोग इसको 143 पे सेट कर देना। उसके बाद से आप लोग का फ्री लुक का बटन वो बहुत इजीली एकदम मक्खन की तरह रोटेट होगा एंड बहुत आराम से आप लोग एनिमी को लेफ्ट राइट आगे पीछे के एनिमी को बहुत इजीली देख पाओगे। गाइस यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिविटी सेटिंग है वे गाइस यहाँ पर स्नाइपर स्कोप, और ये फिवाई की तरफ से डिफॉल्ट हम लोग को 50 प्रोवाइड कराई जाती है। अगर गाइस आप लोग अपने स्नाइपर स्कोप को 50 पे यूज करते हो एंड स्नाइपर गन को यूज करते हो तो गाइस आप लोग का एक भी बुलेट एनिमी को टच नहीं होता है। आप लोग का सारा बुलेट एनिमी के लेफ्ट राइट से निकल जाता है। एंड अगर आप लोग को एनिमी को स्नाइपर से डैमेज देना होता है तब आप लोग ऐसे स्कोप ओपन करके तब एनिमी बॉडी शॉट या हेडशॉट मारते हो। एंड गाइस इतना टाइम लगता है कि तब तक कोई भी प्रो प्लेयर होगा तो वह आप लोग को बहुत इजीली हेडशॉट मार के नॉक कर देगा। तो सिंपली आप लोग क्या करना कि अपने स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके आप लोग इसको 129 पे सेट कर देना। उसके बाद स्नाइपर से आप लोग का हर एक शॉट एनिमी को कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप लोग मेरा भी देख सकते हो। मेरे यहां पर स्नाइपर से हर एक शॉट एनिमी को कनेक्ट हो रहा है, वो भी गाइस विदाउट स्कोप। गाइस यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिविटी सेटिंग है वे गाइस यहाँ पर 4x स्कोप, और ये फैक्स डिफॉल्ट हम लोग को 65 प्रोवाइड कराई जाती है। अगर कैसे आप लोग अपने 4x स्कोप को 65 पे यूज़ करते हो एंड 4x स्कोप को ओपन करते हो, आप लोग का जो एम होता है वे एनिमी के बॉडी पे चला जाता है। आप लोग कितना भी ट्राई कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, आप लोग का यहाँ पर एक भी बुलेट हेडशॉट नहीं लगता है। तो सिंपली आप लोग क्या करना कि अपने स्नाइपर स्कोप की सेंसिविटी को इंक्रीज करके इसको 140 पे करना। एंड गाइस जैसे ही आप लोग यहाँ पर 4x स्कोप ओपन करोगे डायरेक्ट एम आप लोग का एनिमी के हेड पे चला जाएगा एंड लिटरली आप लोग का बहुत ज्यादा हेडशॉट लगेगा, जो कि आप लोग मेरा भी देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिविटी सेटिंग है वे गाइस यहाँ पर 2x स्कोप, और ये फैक्स डिफॉल्ट हम लोग को 75 प्रोवाइड कराई जाती है। और गाइस आप लोग अपने 2x स्कोप को यहाँ पर 75 पे यूज़ करते हो एंड 2x स्कोप ओपन करते हो, इसमें भी सेम होता है कि आप लोग का जो एम होता है वह एनिमी के बॉडी पर ही चला जाता है। आप लोग कितना भी ड्रैग कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, आप लोग का हेड शॉट नहीं लगता। तो सिंपली आप लोग क्या करना कि अपने 2x स्कोप की सेंसिविटी को इंक्रीज करके आप लोग इसको 130 पे सेट कर देना। उसके बाद गाइस जैसे ही आप लोग यहाँ पर 2x स्कोप ओपन करोगे डायरेक्ट एम आप लोग का एनिमी के हेड पे जाएगा एंड आप लोग का लिटरली बहुत ज्यादा हेडशॉट लगेगा, जो कि आप लोग मेरा खुद देख सकते हो मेरा कितना ज्यादा हेडशॉट लग रहा है।
गाइस यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिविटी सेटिंग है वे है गाइस यहाँ पर फ्री फायर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंसिविटी सेटिंग जिसका नाम है गाइस यहाँ पर रेड डॉट। और कैसे आप लोग अपने रेड डॉट को 85 पे यूज करते हो एंड गेम खेलते हो तो आप लोग का गेम के अंदर गाइस यहाँ पर गन का जो बुलेट होता है वह बहुत ज्यादा रिकॉइल होता है एंड सारा बुलेट आप लोग का एनिमी के लेफ्ट राइट ऊपर नीचे से निकल जाता है एंड आप लोग का हेडशॉट भी नहीं लगता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली आप लोग क्या करना कि अपने रेड डॉट की सेंसिविटी को इंक्रीज करके आप लोग इसको 165 पे सेट कर देना। उसके बाद आप लोग का फ्री फायर के अंदर जो गन है ना वे 0% रिकॉयल करेगा, आप लोग का एक भी बुलेट रिकॉयल नहीं करेगा। एंड बात करें हेडशॉट की तो बस आप लोग का हेडशॉट लगेगा जो कि आप लोग मेरा भी देख सकते हो मेरा कितना ज्यादा हेडशॉट लग रहा है। यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिविटी सेटिंग है वह है गाइस यहाँ पर फ्री फायर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंसिविटी सेटिंग जिसका नाम है गाइस यहाँ पर जनरल सेंसिविटी। और कैसे आप लोग अपने जनरल सेंसिविटी सेटिंग को 65 पे यूज करते हो एंड गेम खेलते हो तो सबसे पहले आप लोग का जो फोन का डिस्प्ले होता है वह बहुत ज्यादा हार्ड रोटेट होता है एंड इसकी वजह से आप लोग का फ्री फायर के अंदर अच्छी मूवमेंट स्पीड भी नहीं हो पाती है। एंड बात करें हेडशॉट की तो आप लोग का बस यहाँ पर बॉडी शॉट लगता है एंड आप लोग कितना भी ड्रैग करते हो आप लोग का हेडशॉट नहीं लगता। अगर आप लोग ज्यादा ड्राई करें तो आप लोग का जो एम होता है वह यहां पर हवा में चला जाता है एंड आप लोग का बुलेट भी एनिमी को टच नहीं होता है। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली आप लोग क्या करना कि अपनी जनरल सेंसिविटी को इंक्रीज करके इसको आप लोग 123 पे सेट कर देना। उसके बाद आप लोग यहां पर फ्री फायर जब भी गेम खेलोगे तो आपका फोन का डिस्प्ले एकदम स्मूथ हो जाएगा एंड गाइस आप लोग की मूवमेंट स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड बात करें हेडशॉट की तो बस आप लोग का हेडशॉट लगेगा जो कि आप लोग मेरा देख सकते हो मेरा यहां पर कितना ज्यादा हेडशॉट लग रहा है। गाइस सर ये तो बात हो गई सेंसिविटी सेटिंग की। अब गाइस बात करते हैं फायर बटन साइज के बारे में। तो गाइस आप लोग मेरे फायर बटन का साइज देखो जो कि है गाइस यहाँ पर 47 एंड लिटरली मैं इसी फायर बटन साइज को यूज करके फ्री फायर के अंदर बहुत ज्यादा हेडशॉट मारता हूँ। चाहो तो आप लोग इस फायर बटन साइज को यूज कर दो तो इस पे आप लोग का बहुत ज्यादा हेडशॉट लगेगा। लेकिन अगर ये फायर बटन साइज आप लोगों में वर्क नहीं करता है तो सिंपली आप लोग जिस भी फोन के अंदर गेम खेलते हो वे किस कंपनी का फोन है एंड कितने जीबी रैम का फोन है अगर वे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे तो मैं आप लोग के लिए एक बेस्ट फायर बटन का साइज रिप्लाई कर दूंगा। तो जरूर सर आप लोग अपने फोन का रैम एंड नेम कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर देना। तो गाइस आप लोग को मैंने फ्री फायर के अंदर न्यू अपडेट आने के बाद एक बेस्ट सेंसिविटी सेटिंग एंड एक बेस्ट फायर बटन का साइज बता दिया। आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो प्लीज सर सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके अपना फ्री फायर का लेवल एंड रैंक जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको फटाक से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टा करने में गाइस सर यूनिक एफएफ टिप्स। चलिए यार फाइनली आज की धमाकेदार वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए गाइस सर बाय बाय एंड गाइस राधे राधे।